हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे केमिस्ट्री के क्लास 10 के, और चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जो कि फुल एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर है, जो कि पार्ट वन है। पार्ट टू भी आएगी वीडियो, तो तब तक आप इसको देखिए। तो चलिए देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू इट्स पीएच लाइकली टू बी, यानी एक सॉल्यूशन है रेड लिटमस को वो ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसकी जो पीएच वैल्यू है वो क्या होगी आपको ये बताना है। तो ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 10। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 10। सॉरी, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ये 6 नहीं होगा, ये 10 है। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। मगर आप इस 6 को क्या करेंगे? आप इस 6 को 10 लिख देंगे, यानी सही आंसर 10 होगा। ओके, अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग शेल टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ऐसा ना सॉल्यूशन है जो कि क्रश्ड एग है। जो क्रश्ड एग होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, तो हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रही है और हम लोगों को गैस मिल रही है। प्रोडक्ट साइड जो लाइम वाटर को मिल्की कर रही है, तो इन चारों में से कौन सा सॉल्यूशन है आपको ये बताना है। तो ऑप्शन है NaCl, ऑप्शन बी है HCl, ऑप्शन सी है LiCl, या ऑप्शन डी है KCl। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी HCl। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है 10 ml ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज बाई 8 ml ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन ऑफ HCl। इफ़ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, द अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी। क्वेश्चन का मतलब ये है कि NaOH की एक बेस दी गई है, एक बीकर के अंदर मैंने ना इसमें ना 10 ml NaOH लिया है, इसके अंदर 8 ml HCl डाल दिया है, और ये कम्प्लीटली क्या हो गया है? न्यूट्रलाइज्ड हो गया है। NaOH प्लस HCl ने मिलाकर सॉल्ट प्लस वाटर दिया है। अगर हम 20 ml सेम सॉल्यूशन लेते हैं तो 20 ml NaOH में कितना सॉल्यूशन डाले कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 16 ml होगा। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन, यानी कौन सी मेडिसिन हम लेंगे अगर हमें क्या होगा, खाना हमारा पच ना रहा हो। तो जो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक को हम तब लेते हैं जब हमें फीवर हो या बैक्टीरिया हो, ये हम तब लेते हैं। सेकंड क्या है, एनाल्जेसिक, यानी ये हम तब लेते हैं जब हमें एलर्जी हो। और जो सी ऑप्शन है वो क्या है? सी ऑप्शन है एंटासिड, ठीक है। और डी ऑप्शन है एंटीसेप्टिक। तो डी जो ऑप्शन है एंटीसेप्टिक हम तब लेते हैं जब हमें चोट लगी हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सी एंटासिड। क्यों? एसिड को काटने वाला अपोजिट होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? एंटासिड, जो हमारे खाने को क्या करता है? अच्छी तरीके से जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसको डाइजेस्ट करता है। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में पूछा गया है राइट द वर्ड्स इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस वेल, यानी सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है और फिर उसको क्या करना है? फिर उसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जेड एन ग्रैनुल्स। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है और फिर उसको बैलेंस करना है। तो अब इधर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं।
डाइल्यूट, तो हमने लिखा डाइल्यूट। लिखा है फिर सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमने लिखा सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। प्लस क्या लिखा हुआ है, Zn, मतलब ये क्या कर रहा है, रिएक्ट विद जिंक, यानी रिएक्ट विद जिंक मतलब Zn। ग्रैनुअल है, ग्रैनुअल यहाँ पे लिखा है ना, ग्रैनुअल है, तो ग्रैनुअल मतलब क्या होता है, जिंक के दाने किसमें, सॉलिड फॉर्म में, तो इसलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया है, S लिख दिया है। तो जब हमें पता है कि जिंक और हाइड्रोजन, क्या बोला मैंने, जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। जब वो डिस्प्लेस कर देगा तो वो जिंक सल्फेट बना देगा, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, जिसका फॉर्मूला होगा ZnSO4 प्लस साथ में लिबरेट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। और अगर इसको बैलेंस करें तो बैलेंस कैसे करेंगे, कि SO4 है तो ये हमारा SO4 है, यहाँ H2 है तो यहाँ पे हमारा H2 है, ये Zn है तो ये हमारा Zn है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बैलेंस। तो ये हो गई बैलेंस फर्स्ट का। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट में, जो नेक्स्ट क्या हमारा सेकंड है, तो सेकंड को देखते हैं हम। सेकंड है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम भी क्या होता है, ज़्यादा रिएक्शन है हाइड्रोक्लोरिक से, तो मैग्नीशियम रिप्लेस कर देंगे हाइड्रोजन को, तो क्या बना देगा, हाइड्रोक्लोराइड। और मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2+H, मतलब हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगी। और इसको अगर बैलेंस करेंगे तो बैलेंस कैसे करेंगे, कि यहाँ पर अगर H1 है और यहाँ पर क्या है, H2 है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे H1 है और यहाँ पे H2 है, तो हम इसे क्या लिख देंगे, हम इसे 2 लिख देंगे, ठीक है 2 लिख देंगे। और यहाँ पर Mg1 है और यहाँ भी Mg1 ही है, तो ये क्या हो गई, ये हो गई बैलेंस, ठीक है, ये हो गया बी का। अब बढ़ते हम सी में, सी में क्या है, सी में है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्युमिनियम पाउडर, ठीक है, यानी एल्युमिनियम भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होगा Al2SO4 होल थ्राइस, सॉरी यहाँ पे थ्राइस आना था, यहाँ पे 2 लिख दिया, ये क्या आएगा, थ्राइस यानी 3 होगा, ओके थ्राइस, प्लस लिबरेट हो जाएगी किससे, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो हम इसको अब बैलेंस कर देंगे, बैलेंस क्या होगा हमारा, कि H2 हमारा H2 है, SO4 है, Al है जो कि ग्रैनुअल्स है, प्लस डाइल्यूट क्या हमारा 3, ओके ये हो गया हमारा बैलेंस। अब बढ़ते हैं हम डी में, डी का है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग, ज़्यादा रिएक्शन होता है हाइड्रोजन से, और ये बना देगा फेरस क्लोराइड, प्लस लिबरेट कर देगा हाइड्रोजन से, तो यहाँ ये आंसर है, ओके। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 में पूछा गया है कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। हमारे जो एल्कोहल होते हैं उनमें ना हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, बट हम उन्हें एसिड नहीं बोलते। पहले तो हमें ये बताना है कि हम उन्हें एसिड क्यों नहीं बोलते हैं। इसके बाद एक एक्टिविटी के थ्रू कि ऐसा क्या प्रोसेस होता है कि जो हमारे अल्कोहल और ग्लूकोज में नहीं होता बट एसिड में होता है, ये इस क्वेश्चन में बताना है। तो आंसर है दिस इज बिकॉज कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज डज नॉट एबल टू डिसोसिएट इन वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ विच नो फॉर्मेशन ऑफ H+ आइकन्स अकर्स। सो वी कैन से दैट ऑल द एसिड कंटेन हाइड्रोजन बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेन कंपाउंड आर नॉट एसिड। और इसका क्या बोला था, प्रोसेस भी बोला था, तो चलो मैं ये बताती हूँ। तो देखिए ये मैकेनिज्म है, मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखा है, एक ड्रॉ है बीकर 1, ठीक है, ये है बीकर 1, तो इसको 1 नाम लिख देते हैं, इसको बीकर 2 नाम लिख देते हैं, ठीक है, इसका 1 और इसका बीकर 2 नाम है, ठीक है। अभी हम बीकर 1 के बारे में पढ़ते हैं, तो जो बीकर फर्स्ट है, बीकर फर्स्ट में हाइड्रोक्लोरिक लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक लिया है हमने, तो
नेल इंजेक्ट किया हमने, जब हमने इसमें नेल इंजेक्ट किया, आपको दिखाई दे रहा होगा ये नेल, जब हमने इसमें नेल इंजेक्ट किया और एक बैटरी ले ली, इसको हमने इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह बना दिया और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये जब बीकर में जाएगा तो ये H प्लस और क्लोरीन को प्रेजेंट करेगा, और जब आयरन प्रेजेंट होंगे तो बेसिकली यहाँ फ्लो प्रेजेंट हो जाएगा, और तो फ्लो को प्रेजेंट होगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, बल्ब एकदम से जल जाएगा, ग्लो कर जाएगा। अगर हम दूसरे बीकर के बारे में देखें तो दूसरे बीकर में हमने क्या लिया है, ग्लूकोज लिया है। बीकर वन में हमने क्या लिया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, और बीकर टू में हमने क्या लिया है, ग्लूकोज लिया है। तो ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं करता है, C6H12O6, दोबारा बोलती हूँ, रिपीट करती हूँ, C6H12 और O6 जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो एच पोजीशन आयरन नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से बैटरी में कोई भी चार्ज का मूवमेंट नहीं होता है, तो बल्ब हमारा क्या करेगा, बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा, यानी वो नहीं चलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आप इसका डायग्राम देख सकते हैं और इसको बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 में पूछा गया है, व्हाई डज डिस्टिल वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डस, यानी डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट कर सकता बट रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है। तो आंसर क्या है, आंसर है डिस्टिल वाटर इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर दैट कंटेन्स नो आइकोनिक स्पीसीज बट द रेन वाटर व्हेन फॉल ऑन द अर्थ कंबाइन विद द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट कंटेन आइकोनिक स्पीसीज लाइक कार्बोनिक एसिड, दिस मीन्स रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू एसिड प्रेजेंट। यानी डिस्टिल वाटर प्योर वाटर होता है, इसमें कोई भी आयोनिक स्पीसीज नहीं होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है, बट रेन वाटर जब अर्थ में गिरता है तो रेन वाटर अर्थ के साथ जो भी गैसेस होती है उसके साथ कंबाइन करता है, तो उनमें से एक गैस हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो जब वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये कार्बोनिक फॉर्म कर लेता है जो कि वीक एसिड होता है, तो ये आइकोनिक स्पीसीज कंटेन कर देता है, तो हम H2SO3 को डिसोसिएट करेंगे तो हम आइकोनिक मिलेगा, तो हमें रेन वाटर में H पॉजिटिव आइकोनिक मिल रहा है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है बट वो नहीं करेगा, बट डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ अ वाटर, यानी जो एसिड होते हैं वो अपना एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करते हैं वाटर की एब्सेंस में, आपको ये बताना है। आंसर है, एज वी नो दैट एसिडिक बिहेवियर ऑफ केमिकल सब्सटेंस इज शोन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एच प्लस आइकन्स, हाइड्रोजन आइकन्स कैन बी प्रोड्यूस ओनली इन द एसिडिक हैव टू शो देयर एसिडिक बिहेवियर वाटर इज नीडिड डेफिनेटली, यानी एसिडिक बिहेवियर केमिकल सब्सटेंस होंगे वो क्या करेंगे, वो H पॉजिटिव आइकन के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेंगे। हमारे पास जितने भी एसिड थे जब वो एक्विन सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो रहे थे तो ये H पॉजिटिव आइकन फॉर्म कर रहे थे, ये जो हमारा H पोजिशन आइकन्स है ये हमारा कब प्रोड्यूस होगा, जब हमारे पास वाटर होगा। अगर कोई भी एसिड के पास वाटर प्रेजेंट नहीं है तो उस कंडीशन में एसिड H पॉजिटिव आइकन्स को फॉर्म नहीं कर पाएगा, इस वजह से एसिड में वाटर का एब्सेंस होता है और वो अपने एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं कर पाता। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। 5 सॉल्यूशन ए बी सी डी एंड ई व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर शोड पीएच एस 4, 1, 11, 7 एंड 9 व्हेन सॉल्यूशन इज, यानी
फाइव हमारे पास क्या है, टेस्टेड बीकर है जिसकी ना पीएच वैल्यू दे रखी है। जैसे ए की पीएच वैल्यू क्या है, 4 है, बी की पीएच वैल्यू 1 है, सी की पीएच वैल्यू 11 है, डी की पीएच वैल्यू 7 है और एंड लास्ट जो ई बीकर है उसकी पीएच वैल्यू 9 है। तो क्वेश्चन है कि कौन सी कंडीशन में न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलेगा, एक ये, और दूसरा है कि कौन सी कंडीशन में स्ट्रांगली एल्काइन मिलेगा, और जो ये हम बताएंगे ये हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा सी ई डी ए बी, यानी हमें अरेंज करना है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो 11 है, 11 किसकी पीएच वैल्यू है, 11 है पीएच वैल्यू सी की, 9 पीएच वैल्यू किसकी है, ई की, 7 पीएच वैल्यू किसकी है, डी की, और 4 पीएच वैल्यू किसकी है, ए की, और 1 पीएच वैल्यू किसकी है, बी है। तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर। अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन 10 में पूछा गया है इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन, सॉरी ये क्वेश्चन ना हाफ लिखा गया है तो आप इसको प्लीज पूरा लिख लेना। तो हमें क्या करना है, दो टेस्ट ट्यूब दे रखी है ए और बी, ठीक है, इन दोनों के अंदर मैग्नीशियम रिबन डाल रखा है, ठीक है, क्या डाल रखा है, मैग्नीशियम रिबन डाल दिया है। टेस्ट ट्यूब में एक्सियल है और टेस्ट ट्यूब बी में एसिडिक है, ठीक है। तो दोनों एसिड की अमाउंट और कंसंट्रेशन सेम है, तो किस टेस्ट ट्यूब के अंदर ज़्यादा जोर शोर से रिएक्शन होगा और क्यों होगा वो हमें बताना है। तो आंसर क्या है, एज वी नो दैट HCl इज मोर स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू CH3COOH, सो द फीजिंग अकर मोर वाइग्रेसली इन मिक्सिंग विद HCl। तो चलो मैं यहाँ पे आपको एक जो टेस्ट ट्यूब होते हैं, बीकर्स होते हैं, वो बता देती हूँ। तो जैसे कि मैंने बना लिए बीकर, ठीक है, तो बीकर बनाते हैं हम, तो ये हमने बनाया बीकर। तो जैसे सपोज ये मेरे पास एक है बीकर जिसका नाम क्या है, बीकर ए, ठीक है। दूसरा बीकर है हमारे पास जिसका नाम क्या है, बीकर बी, ठीक है। अब क्या है, मैंने क्या बोला कि दोनों के अंदर क्या है, मैग्नीशियम रिबन डाल दिया, यानी इन दोनों के अंदर मैग्नीशियम रिबन है, इसके भी अंदर और बीकर टू के अंदर भी, ठीक है, डाल दिया। टेस्ट ट्यूब में जो ए बीकर होगा उस टेस्ट ट्यूब में क्या है, HCl है, क्या है, HCl, और टेस्ट ट्यूब बी में क्या है, टेस्ट ट्यूब बी में है CH3COO H, यानी एसिडिक एसिड है। तो दोनों एसिड की अमाउंट और कॉन्सेंट्रेशन सेम है, किस टेस्ट ट्यूब के अंदर ज़्यादा जोर शोर से रिएक्शन होगा वो हमें बताना है। तो क्या है, हम यहाँ पर बीकर को प्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास दो बीकर है ए और बी, तो ए बीकर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरे बीकर में हमारे पास CH3COOH एसिड है, और दोनों बीकर में मेटल सेम है यानी मैग्नीशियम। ए बीकर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ये ज़्यादा एच पॉजिटिव आइकन को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो जब ये HCl के साथ मैग्नीशियम को मिक्स करेंगे तो फिक्सिंग अकर हो जाएगी, तो ये इसकी रिएक्शन है। दूसरा क्या है, दूसरा जो हमारे पास बीकर है यानी बीकर बी, तो बीकर बी में जो एसिडिक एसिड है वो वीक एसिड है, तो ये एच पॉजिटिव आइकन को कम प्रेजेंट करेगा। तो ये था इसका आंसर, और साथ में मैंने इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन, जो कि इंक्रीज्ड है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंक्रीज्ड, ओके। ये तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है फ्रेश मिल्क हैज़ अ पीएच ऑफ 6, हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड, एक्सप्लेन योर आंसर। तो फ्रेश मिल्क की पीएच वैल्यू 6 होती है, ठीक है, 6 होती है, आप क्या सोचते हो जो पीएच वैल्यू होगी ये जब कर्ड बनेगा यानी दही बनेगा तो उसकी पीएच वैल्यू में क्या इफेक्ट आएगा, आपको ये बताना है। तो आंसर है पीएच ऑफ मिल्क फॉल्स बिलो 6 एज इट टर्न्स इनटू कर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन इट रिड्यूस इट्स पीएच वैल्यू। यानी जो फ्रेश मिल्क की पीएच वैल्यू 6 होती है, जब मिल्क
गट में कन्वर्ट होती है तो ये लैक्टिक एसिड को फॉर्म करता है, जिसकी वजह से हम में क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि ये एसिडिक को फॉर्म कर रहा है तो इसकी पीएच वैल्यू स्लाइटली डिक्रीज हो जाती है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, अ मिल्क मैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। तो एक मिल्क मैन है, वो फ्रेश मिल्क में बेकिंग सोडा को ऐड कर रहा है, ठीक है। तो उसका ए पार्ट है, व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्काइन। वो ऐसा क्यों कर रहा है, हमें ये बताना है। आंसर है, मिल्क इज मेड स्लाइटली एल्काइन सो दैट इट मे नॉट गेट सोर इजिली ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन इट। क्योंकि फ्रेश मिल्क की पीएच वैल्यू 6 है और जब वो एक एल्काइन को ऐड कर देगा तो ये तो जो बेस है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा, और न्यूट्रलाइजेशन इसकी वजह से जब हम दही जमाएंगे तो वो आसानी से फॉर्म नहीं हो पाएगा, बल्कि दही बनने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो ये था एक आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट भी है, उसको भी देखते हैं। उसमें पूछा गया है, व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेटस कर्ड। यानी वो कर्ड बनने में इतना लॉन्ग टाइम क्यों ले रहा है, इतना समय क्यों ले रहा है, हमें ये बताना है। आंसर है, द एल्काइन मिल्क टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट अप इनटू अ कर्ड बिकॉज द लैक्टिक एसिड बीइंग फॉर्म्ड हैज टू फर्स्ट न्यूट्रलाइज द एल्काइल प्रेजेंट इन इट। क्योंकि जब एल्काइन को ऐड करेंगे तो दही बनने में टाइम बनता है, मतलब टाइम लगता है, क्योंकि एल्काइन को ऐड किया है तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, इसीलिए दही जमने में क्या लेता है, दही जमने में टाइम लगता है। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन बाय। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को ना हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखते हैं, हमें ये बताना है। आंसर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कैन कॉज स्लो स्लाइटली ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बाय ब्रिंगिंग अबाउट इट हाइड्रेशन। दिस विल मेक द प्लास्टर ऑफ पेरिस यूजलेस आफ्टर सम टाइम्स। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर के प्रेजेंस में आता है तो ये जिप्सम को फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ में क्या रखना पड़ता है, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखना पड़ता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा गया है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव इट्स टू एग्जांपल। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है रिएक्शन, आपको ये बताना है, और उसके दो एग्जांपल भी बताने। तो आंसर है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होती है, जो कि न्यूट्रल नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, और वो होता है न्यूट्रलाइजेशन। अब इसके दो एग्जांपल क्या है, फर्स्ट एग्जांपल है, NaOH plus Hc form NaCl plus H2O, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है और हाइड्रोक्लोरिक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जब ये रिएक्ट करता है तो ये सोडियम क्लोराइड को फॉर्म करता है और वाटर को रिलीज करता है। तो फर्स्ट तो ये एग्जांपल हो गया। सेकंड क्या है, सेकंड है KOH plus H2SO4 forms K2SO4 plus H2O, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फरिक के साथ रिएक्ट करता है तो पोटेशियम सल्फेट फॉर्म को फॉर्म करता है प्लस वाटर को रिलीज करता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15, गिव टू इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। यानी आपको दो इम्पॉर्टेंट यूजेस बताने हैं किसके, वॉशिंग सोडा के और बेकिंग सोडा के। तो पहले हम वॉशिंग सोडा का देख लेते हैं, यूजिंग ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज़ यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर एंड इंडस्ट्री। जो वॉशिंग सोडा होता है उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, ग्लास में, सोप में, पेपर के इंडस्ट्रीज में। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, और इससे रिमूव हो सकता है क्या, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर का भी। तो ये था वॉशिंग सोडा का यूजेस। दूसरा हमसे पूछा गया था बेकिंग सोडा, यानी NaHCO3 भी पूछा गया था, उसके भी यूजेस पूछा गया था, तो वो भी बता देते हैं। बेकिंग सोडा इज यूज एंड एंटी एसिड इन मेडिसिन टू रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टमक। ये क्या करता है, एसिडिटी को रिड्यूस कर देता है। कौन सा ऐसे, कौन सा एंटा एसिड, अभी हमने MCQ में पढ़ा था ना, वही है। तो ये भी बेकिंग सोडा का क्या है, यूज़ है। सेकंड क्या है, बेकिंग सोडा इज़ यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर,
यूज इन मेकिंग केक्स ब्रेड एक्सेट्रा। और बेकिंग सोडा हम कहाँ पे यूज करते हैं, हम करते हैं जैसे केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, तो हम इसका भी यूज करते हैं, किसका, बेकिंग सोडा का। तो ये थे क्वेश्चन आंसर केमिस्ट्री के, और चैप्टर का नाम क्या था, एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि फुल एनसीईआरटी इंटेक्स एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो प्लीज़ समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। साथ में अगर आपको केमिस्ट्री के और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर या इंग्लिश के या सोशल के भी क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फिर थैंक यू।